हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये ब्राइडल आई मेकअप है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अरबिक ब्राइडल आई मेकअप है और लगाना बिल्कुल इजी है। आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं, इसमें मैंने सबसे पहले जो कलर अप्लाई किया है वो है वाइट कलर, जो मैंने आईब्रो हाईलाइट की है इस और उसको मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है दोनों आई पे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। फिर इसके बाद मैंने मेहरून कट क्रीज पे अप्लाई किया है और इसको ज़रा मैंने डार्क किया और अच्छी तरीके से ब्लेंड किया दोनों आई। मैं इसी टाइम सेम बना रही थी तो मैं सेम सेम अप्लाई कर रही थी। और देखें, इसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर अप्लाई किया है मेहरून पे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। और ये कलर हमें ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है, सिर्फ कट क्रीज पे रखना है। फिर मैंने कट क्रीज किए और कट क्रीज करने के बाद देखिए सफाई के साथ कट क्रीज करें। और इसके बाद मैंने वही सिल्वर कलर जो मैंने हाईलाइट पे लगाया था वही मैंने इस पे लगाया है। फिर इसके बाद मैंने ब्लैक कलर लिया और उसको मैंने आई के आउटर कॉर्नर के साइड अप्लाई किया और इसको वी शेप में बनाया है। जब ये आई बनती है ब्राइडल आई तो इस पर ऐसी वी शेप में ही बनाया जाता है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया और मैं दोनों आई सेम सेम बनाई जा रही हूँ, अब देखें। और फिर इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है शिमर कलर और इसको मैंने आई के मिडल एरिया पे अप्लाई किया है। फिर इसके बाद मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया, देखें दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके ब्लेंड किया है मैंने। फिर ये देखें मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया और ये मैंने आई के मिडल एरिया पे अप्लाई किया है। देखें कितना खूबसूरत शेड आया है। और ऐसी मैंने सेम आई दूसरी आई पे बनाई है। मेरे चैनल पे आपको अरबिक आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप और ब्राइडल आई मेकअप और एशियन आई मेकअप ये सब मिलेंगे। इसके बाद मैंने देखें ग्लिटर ली है और ग्लिटर अप्लाई की है। इसको मैंने आई के इनर कॉर्नर की साइड अप्लाई किया है और मिडिल एरिया तक। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा मुझे शर्ट चेंज करना था तो ये देखें मिडिल एरिया पे मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया है तो ये बिल्कुल चेंज हो गया। और मैंने ग्लिटर लगाई है ये आई के, ये देखें कट के इसके साइड, इससे बहुत खूबसूरत बना था। ये देखें मैंने ग्लिटर लगाया सिल्वर कलर का और बहुत ही खूबसूरत लुक बना। फिर इसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे ग्रीन कलर और ब्लू कलर और ब्लैक कलर से अप्लाई करके इसको कवर किया। और फिर इसके बाद मैंने आईलैश लगाई और यूँ मेरा आई कंप्लीट हो गई। और इसके बाद मैंने जो ग्लिटर इधर उधर लगा हुआ था तो उसको मैंने टेप की मदद से साफ़ किया। ये मेरी आई कंप्लीट हो गई। ओके, टेक केयर, बाय।